कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आए दिन आतंकी फिर से मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। उस मामले से स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं और कश्मीरी पंडितों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लोग घर के बाहर सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ लोगों ने पाकिस्तान हाय हाय के नारे भी लगाए। 24 घंटे में 4 वारदातें हुई हमारे कश्मीर में, फिर से हम पे अटैक किया जा रहा है। आफ्टर कश्मीर फाइट सच तो कड़वा होता है, ये सुना था, लेकिन ये इतना कड़वा है कि इनसे सच बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये हमारी कम्युनिटी पे फिर हमला कर रहे हैं, फिर हमारे भाइयों पे गोलियां चला रहे हैं। ये शेम है उन सब मुस्लिम्स पे, उन सब एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पे जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है और हमारी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पा रही है। बता दें कि पिछले 2 दिनों में दक्षिण कश्मीर में प्रवासी मजदूरों और एक कश्मीरी पंडित पर हुए हमलों का प्रत्यक्ष तौर पर जिक्र करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस फ्रंट के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि लोगों को डराने और उन्हें निकालने के उद्देश्य से निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि आतंकवादी एक बार फिर डर जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हमारा घर जाना कैसे मुमकिन होगा। यहाँ पर रह रहे लोगों का कहना है कि फिल्म कश्मीर फाइल्स के रिलीज के बाद से आतंकवाद और तेज हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान आतंकवादियों ने 7 लोगों को गोली मारी। इन घटनाओं में पुलवामा में 4 गैर स्थानीय मजदूर, श्रीनगर में 2 CRPF और अब शोपिया में एक कश्मीरी पंडित घायल हुए। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।